नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, हम स्टार्ट करेंगे आज से हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड और बेस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम आज से पढ़ने स्टार्ट करेंगे और सीरीज वाइज सारी रिएक्शंस को देखेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो है हमारा सॉल्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सॉल्ट, नमक, टाटा नमक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाटा नमक के बारे में। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो हमारे साथ मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आप आगे देखिए। एग्जाम टाइम पास है बच्चों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें या तो आप लोग कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे, या अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे होंगे, या फिर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों, डाउट्स का आना ऑब्वियस है। इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों, अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर के जरिए बेटा डाउट्स पूछना कितना आसान है वो मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाता हूं। आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद बच्चों, जब आप लोग अपना अकाउंट यहां पे बनाएंगे, तो आप लोगों ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एक फीचर ढूंढना है जिसका नाम होगा अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, तो यहां पर आपसे एक इनवाइट कोड मांगता है या फिर कोई रेफरल कोड मांगता है। हमारा जो रेफरल कोड है वो है ACLIVE। इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद बच्चों, आप इस फीचर को अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, चूज फ्रॉम गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। आप लोगों ने बस करना क्या है, अपने क्वेश्चन की एक क्लियर फोटो सेलेक्ट करनी है, क्लिक करनी है, और उसमें से बेटा जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्रॉप करके बेटा आपने अनअकैडमी को ये क्वेश्चन भेज देना है। उसके कुछ ही देर के बाद अनअकैडमी आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों को डाउट्स पूछने के लिए आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है। भैया, रिवॉर्ड क्या है कि अगर आप लोग एक दिन में 10 डाउट्स इस प्लेटफॉर्म से पूछते हैं तो आप लोगों को 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग अनअकैडमी के जितने भी जो रिविजन बैचेस हैं, जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं, और जितने भी हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उन सब की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हैं उनको भी बेटा आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने डाउट्स पूछकर इनाम जीतने का। ये ऑफर बच्चों सिर्फ 10 मार्च तक ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए जल्दी से इस फीचर का फायदा उठाना शुरू कर दो, और ये जो 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है उसको अवेल करो भाई। चलिए, पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, हम पढ़ेंगे आज टाटा सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कि टाटा सॉल्ट बनता कैसे है। हमने जितनी भी रिएक्शन देखी है अभी तक एसिड और बेस में, हमने क्या देखा, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस देखी। हमने देखा एसिड जब मेटल के साथ करता है, एसिड जब बेस के साथ करता है, या जब मेटल ऑक्साइड के साथ करता है, या कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करता है, बेस रिएक्शन करता है। हर जगह हमारा क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सॉल्ट बनता है। हर रिएक्शन में नमक जरूर बनता है, बट जो नमक है ना हमारा, जब एसिड किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है तब बन रहा है। बट अब हम देखेंगे जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब जो हमारा सॉल्ट बनता है वो बनता है टाटा नमक। कौन सा नमक? टाटा नमक, टाटा नमक। ठीक है, वही नमक होता है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं या खा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, समझते हैं थोड़ा इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हमारा एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब हमें मिलता है सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा पानी। ठीक है, हमने इस रिएक्शन को क्या नाम दिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारा एसिड होता है, एक हमारा बेस होता है। हम उन दोनों को मिला देते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, एसिड बेस की प्रॉपर्टी को छुपा देता है और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को छुपा देता है। तो जब ये छुपम छुपाई का गेम चलता है ना, तब एक नई चीज बाहर निकल के आती है, वो होती है हमारी सॉल्ट। क्या होती है वो? सॉल्ट होती है। तो जो ये पूरी प्रोसेस है, जो ये पूरी रिएक्शन हो रही है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप देखो ना, कभी अगर हम शादी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, हम ये कह रहे हैं ठूस से खाना खा लेते हैं फ्री का, ठूस से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं फ्री की, और बाद में क्या होता है, हमें पसीना आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
हो रही होती है। वैसे हम कह नहीं सकते बट समझने के लिए कह सकते हैं कि तब क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। हमें क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना का भी टेस्ट करके देखा वो नमकीन होता है, ठीक है ना, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो हमने समझ लिया कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जो हमारा क्या होता है नेचर में न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है, ना ही एसिडिक होता है नेचर में, ना ही बेसिक होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हम एग्जांपल क्या लेंगे, हम लेंगे पहले एक एसिड जिसका नाम हम रखेंगे क्या नाम पहले से रखा हुआ है, HCl। फिर हम लेंगे एक बेस जिसका नाम हम रख देंगे, सॉरी नाम सॉरी नहीं रखेंगे, चौक अंदर चलेगी ना, उसका नाम हम रख देंगे NaOH, ठीक है जी। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा H प्लस आयंस होते हैं वो हमारे एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और NaOH में जो हमारा OH नेगेटिव आयन होंगे ये हमारे बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है जी, इतना हम सबको पता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो हमारा ये Cl है ये किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा जी। और फिर बचा गया यहाँ पे हमारा OH बचा और H बचा, तो जब ये OH और H मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, H2O, जो कि हमारा होता है पानी, जल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे कहेंगे भैया ये H इस Na के साथ क्यों नहीं मिला, या ये OH इस Cl के साथ क्यों नहीं मिला, ये सिर्फ Na और Cl और O और H क्यों मिले, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताओ भैया हमें। अब एक बात देखो, मैंने क्या कहा था, तो हमारा सॉल्ट बनता है कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। अगर मैं इस सोडियम के साथ इस H को मिला देता तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता वो हमारा कैसा बनता, पॉजिटिव चार्ज का बनता, ठीक है। और अगर ये बाई चांस गलती से ये OH इस Cl के साथ मिल जाता तो हमारा जो भी एक प्रोडक्ट बनता है बनता कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर बनता तो जो बनता वो एक नेगेटिव सॉल्ट, नेगेटिव प्रोडक्ट बनता। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो हमें सॉल्ट मिल रहा है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। तो ये जो हमारा पूरा था, ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आ गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इतना भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, जो हमारा एक एसिड होता है, ठीक है, वो एक बेस के साथ रिएक्शन करता है और उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को छुपा देते हैं, और प्रॉपर्टी छुपाने के बाद क्या होता है ना, हमें एक नया सॉल्ट मिलता है जो कैसा होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये दोनों, कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, फिर से अंदर चला गया, छुपा देते हैं। तो इसीलिए ये कैसा मिलता है, हमें न्यूट्रल मिलता है नेचर में। क्लियर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हमारे हैं बट अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और बाकी एग्जांपल आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है ना कि अगर हम क्या कहते हैं, हमारा हमें पता है एसिड होता है और जो बेस होता है, कोई एसिड हमारे स्ट्रांग होते हैं, कोई एसिड हमारे वीक होते हैं, वही हमारे कोई एसिड सॉरी कोई बेस हमारे स्ट्रांग होते हैं और कोई बेस हमारे वीक होते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, एक स्ट्रांग ले लिया और एक वीक ले लिया, तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा क्या तब भी हमें न्यूट्रल मिलेगा, बताओ। क्योंकि अगर मैं कहता हूं चलो मैंने एक तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहां पे मैंने एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने यहां पे 8 पॉजिटिव चार्ज ले लिए और मैं इन 8 पॉजिटिव चार्ज की रिएक्शन करा रहा हूं सिर्फ 6 नेगेटिव चार्ज के साथ, तो जो मुझे सब्सटेंस आगे मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, इस प्लस से याला माइनस कटा, 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 इस प्लस से याला माइनस कट गया। तो ये टोटल कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कितने लिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हाँ एक ही रहा, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लस ये बच रहा है, एक प्लस ये बच रहा है और यहाँ सारे माइनस खत्म। तो अब इन 2 प्लस को कैंसिल करने के लिए 2 माइनस और चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। तो अब जो हमें चीज मिल रही है वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी ना, समझ आ रहा है, ठीक है। और सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ पे माइनस जो 2 ज्यादा रहता तो ये प्लस भी कट जाएगा, ये प्लस भी कट जाएगा इस माइनस से, इस माइनस से, फिर यहाँ पे भी 2 माइनस बच रहे हैं। तो इस वाले केस में जो हमें चीज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, माइनस में मिलेगी, समझ आ गया। तो वही अब हमें समझना है कि अगर हम एक चीज स्ट्रांग ले रहे हैं,
एक चीज वीक ले रहे हैं तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा उस पर क्या असर पड़ेगा, हमें अब वो समझना है और वो समझना काफी जरूरी है हमारे लिए, कंपटीशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेंथ में ये चीज नहीं पूछता कि तुम्हारा जो सॉल्ट मिलेगा वीक मिलेगा या स्ट्रॉन्ग मिलेगा या तुम्हारा जो एसिड है तुम वीक ले रहे हो या बेस ले रहे हो, कुछ नहीं पूछता। टेंथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, बट जब आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं ना तो वहां हमसे पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, वहां रीजन पूछता है, ठीक है। तो वो रीजन हम कैसे बता सकते हैं, जब हम इस चीज को ढंग से पढ़ेंगे तो समझते हैं आगे एक बार इसे कि जब हम एसिड बेस लेते हैं वीक या स्ट्रॉन्ग तो उसमें क्या होता है विद एग्जांपल, ठीक है जी। तो थोड़ा इसको रब कर देते हैं पहले। सबसे पहला जो हमारा सॉल्ट का टाइप आता है ना वो आता है हमारा क्या, जिसमें हमने क्या करा है स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और इस स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमें सॉल्ट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, मैं बताता हूं क्या मिलेगा, मैं बताऊंगा। न्यूट्रल सॉल्ट और थोड़ा सा जल, क्या न्यूट्रल सॉल्ट और थोड़ा सा जल मिलता है, ठीक है। फिर हो गया, अभी तो पहले भी न्यूट्रल मिल रहा था, अभी भी न्यूट्रल मिल रहा है। तो हाँ, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करता है ना तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलता है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो मैं यहां पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं उसका नाम क्या है, HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस जो मैं ले रहा हूं वो है NaOH। ये दोनों काफी फेमस है, इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस सॉल्ट है हमारे। तो अब यहां पे होगा क्या, एक सॉल्ट मिलेगा जो कैसा है, नेचर में न्यूट्रल है, जिसका नाम क्या होगा वो देखो क्या है। यहां Cl में से H प्लस हटेगा, NaOH में से OH नेगेटिव हटेगा, सॉरी OH नेगेटिव हटेगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो हम पहले भी देख चुके हैं, काफी फेमस, NaCl और थोड़ा साथ में जल, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि हम पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं, तो कोई बात नहीं दोबारा देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक हो गया। अब आता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, इस बार हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। अब मैं लूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके साथ में वीक बेस, क्या वीक बेस। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है अब वो समझते हैं। मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ठीक है, उसे मैंने नाम दिया H प्लस आयंस, हमें पता है भाई एसिड हमारे H प्लस आयंस होते हैं। मैं इस तरफ ले रहा हूं कोई ऐसा एसिड जिसमें मेरे क्या है 6 H प्लस आयंस हैं, और जो मैं इस बार वीक बेस ले रहा हूं उसमें मेरे कितने OH नेगेटिव आयंस हैं, ओनली गिनती के 4। तो जो ये ऊपर के 4 मेरे H प्लस आयंस है ये क्या करेंगे, इन OH नेगेटिव आयन के साथ मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे को छुपा देंगे, एक दूसरे के जो प्रॉपर्टीज है उनको छुपाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, इन चारों को तो मतलब गायब, कैंसिल कैंसिल हो गया हमारे, क्या हो गया हमारे कैंसिल कैंसिल हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। बट अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 2 H प्लस आयन बच रहे हैं। तो बच क्या रहे हैं, 2 H प्लस आयन, और हमें जो अब वो मिलेगा सॉल्ट वो किस नेचर का मिलेगा। पहले क्या था देखो, यहां पे दोनों के दोनों केस में क्या था, बराबर था, दोनों बराबर थे। अब यहां पे क्या है, एक ज्यादा एक कम है, ज्यादा कौन सा है H प्लस आयंस है। तो अब जो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड में वो कौन सी मिलेगी भाई, H प्लस आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एसिडिक नेचर के लिए। तो जो हमें यहां पे प्रॉपर्टी मिलेगी प्रोडक्ट साइड में वो कौन सी मिलेगी, एसिडिक मिलेगी। तो मैं कहता हूं यहां पे जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और साथ में थोड़ा सा जल H2O, पानी नीर, समझ आ गया। ये था हमारा क्या, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। इसे समझते हैं एक केमिकल रिएक्शन के साथ। तो मैं क्या करूंगा, एक फेमस स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगा जो मेरा क्या होगा HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन करेगा एक वीक बेस के साथ। इस बार मैं वीक बेस क्या लूंगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका नाम होता है केमिकल फॉर्मूला HCl। तो फिर से यहाँ पे ये वाला केस चलेगा, इसके पास H प्लस आयंस ज्यादा है, इसके पास OH कम है, तो ये क्या करेगा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा किसमें, हमारे प्रोडक्ट साइड में। तो जो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिडिक नेचर का, जिसका नाम मैं क्या रख दूंगा वेट, जिसका नाम मैं रख दूंगा यहां पे मिलेगा मेरे को, मैंने गलती कर दी यार, NH4OH,
ठीक है, ये हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और साथ में नीर, मतलब पानी, H2O। क्लियर हो गया कि मुझे NH4Cl यहां पे कैसे मिला है, अमोनियम क्लोराइड कैसे मिला, क्योंकि यहां पे क्या था, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। बस इस न्यूट्रलाइजेशन में हमें क्या याद रखें कि हमारा HCl क्या था, इस बार स्ट्रॉन्ग था। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है जी, अब जो हमारा लास्ट और फाइनल केस बचता है वो क्या बचता है, इस बार मैं लूंगा इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस केस में क्या होगा, जरा समझो, मैंने इस बार वीक एसिड लिया, मतलब H प्लस आयंस क्या है इसमें, कम है, पर बेस क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें OH नेगेटिव आयंस क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, यहां चार यहां छह, इन चार ऊपर वालों ने इन चार एच को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा है, दो OH नेगेटिव आयंस बचे हैं। तो आप बचा क्या है, नेगेटिव आयंस बचे हैं, कौन से, OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट साइड में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, इसका दिमाग लगाने वाली कोई बात है नहीं, यहाँ पे सिंपल सी गणित है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, और साथ में थोड़ा सा जल। वैसे आप जल और नील के अलावा मेरे को इनका कोई और पर्यायवाची याद सा नहीं आ रहा, अभी पानी कह सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, पेय पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है, अब पता नहीं, चलो कमेंट करना एक बार H2O के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं किस किस को पता, और जल, नीर और पेय पदार्थ के अलावा और पानी के अलावा, इन चारों के अलावा बताओ क्या क्या होते हैं एक बार, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये हमने देख लिया कि वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हमें एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस बार जो हमारा बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इतना हम लोगों को समझ आ गया। अब हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब एक एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल थोड़ा सा थोड़ी हो सकता है, एग्जाम्पल तो हमें पूरा ही देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, एक वीक एसिड लूंगा जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, इस बार HCl नहीं रखा है, इस बार मैं रख दूंगा उसका नाम एसिटिक एसिड, CH3COOH पॉजिटिव, और मैं लूंगा स्ट्रॉन्ग बेस जो बहुत ज्यादा फेमस है हमारे बीच में, ठीक है। तो स्वागत करते हैं यहां पे हम NaOH का, जिसका NaOH, इट्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैंने इनकी रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिलेगा, एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम क्या रख दूंगा मैं, CH3COON, इसका नाम क्या है, सोडियम एसिटेट, क्या, सोडियम एसिटेट। कैसे, ये था हमारा क्या, एसिटिक एसिड, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहां से ये Na जो हमारा है ये चला जाएगा CH3OO के साथ, और जो ये H प्लस है ये इस OH के साथ चला जाएगा, तो हमारा क्या बचा, ये दोनों बचे, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट और साथ में थोड़ा सा H2O। क्लियर हो गया। तो ये हमारी रिएक्शन थी किसकी, इसकी। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब आप बोलोगे नहीं भैया हमें तो लग रहा है एक और होना चाहिए, कौन सा लग रहा है जी आपको, मुझे तो लग रहा है कि वो आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहे हैं तब हमें मिलना है न्यूट्रल सॉल्ट। तो भैया वीक वीक की भी रिएक्शन करा दो ना, क्यों नहीं करा रहे, तो चलो करा देते हैं इनकी भी रिएक्शन। बट यहाँ पे इसके रिएक्शन वीक और वीक के कराने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, कि जब हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के बीच में रिएक्शन कराते हैं ना, वहां हम ये नहीं देखते कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है, वहां हम सीधा रिएक्शन करा देते हैं और हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। बट जब बात आती है किसकी, वीक एसिड और वीक बेस की, तो हम ना वहां पे देखना पड़ जाता है यार, क्यों देखना पड़ जाता है, कि कौन ज्यादा वीक है कौन कम वीक है, ठीक है। आप तुम दो मरगिल्ले से लोगों की लड़ाई कराओगे तो भाई उनमें तो कोई एक मरी जाएगा ना, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन मरेगा। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सा वीक ज्यादा है, हमारा एसिड या बेस। अगर हमारा जो एसिड है वो वीक कम है बट जो हमारा बेस है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो कंडीशन कहीं ना कहीं याली नहीं बन गई ना, तो हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। और मैं कहता हूं कि जो हमने वीक एसिड और वीक बेस लिया है उसमें जो हमारा एसिड है वो बहुत ज्यादा वीक है और जो बेस है वो थोड़ा कम वीक है, तो कंडीशन कहीं ना कहीं याली बन गई, तो हमें उस टाइम सॉल्ट कौन सा मिलेगा, यही वाला मिलेगा। बट अगर हमारा एसिड और बेस जो हम ले रहे हैं वीक, उनका सेचुरेशन लेवल ठीक है, सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो उस केस में न्यूट्रली मिलेगा।
तो उस वाले केस को हम मतलब एक तरीके से हम एनालाइज नहीं कर सकते जब तक हमें एसिड और बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में नहीं पता होगा। तो उस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस को हम कैसे जाने, वो मैं आपको चैप्टर सेकंड में बता चुका हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कौन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन हमारा वीक बेस है, वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ से जो तुम्हारा एसिड और वीक वाला पार्ट है ना, यहाँ से मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ये पेपर में नहीं आता है। ठीक है, पेपर में नहीं आता बट ये कॉम्पिटिशन में काफी काम आता है हमारा, तो इसलिए इस टॉपिक को अभी से दिमाग में डालना काफी जरूरी है। तो अब क्या है कि अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिविजन चाहिए होगी, आप वो हमें बता सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोअल्काई प्रोसेस क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, हमारा वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे। बट जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी हमारी क्लोरोअल्काई प्रोसेस के ऊपर। अब क्या है ना, क्लोरोअल्काई प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, मोस्टली बच्चों के अभी तक प्री बोर्ड हो चुके होंगे और प्री बोर्ड में आपने एक चीज नोटिस करी होगी क्या कि एमसीक्यू इस बार बहुत सारे आ रहे हैं। तो जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं ना भाई, रिएक्शन से उठ उठ के आएंगे। क्यों भाई, वहां बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तुमसे बोल देगा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरोअल्काई प्रोसेस क्या होती है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ के, जो कि हम पढ़ेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।